तो इट डजेंट मैटर नाउ, लेकिन हाँ एक लेवल पर जो जो करना पड़ता है, प्रमोशन करना पड़ता है, ऑब्वियसली मीडिया के बगैर वी कांट गेट एनीवेयर, वी कांट रीच आउट टू द वर्ल्ड, यू नो. तो हम थैंकफुल हैं कि आप लोगों का सपोर्ट रहता है हमेशा. और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो अजय जी कर रहे हैं, बट आई फील कि हर फिल्म का एक बजट होना चाहिए, हर फिल्म की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि लोगों तक कैसे पहुंचाएं उसे. हर फिल्म के नॉट बी इक्वल, के नॉट बी द सेम. आर यू इन टॉक्स विद कपिल, कपिल शर्मा फॉर द शो टू बी देयर फॉर द प्रमोशन? आई वुडंट नो. आर यू इन टॉक्स विद कपिल सर? Would you love to be a part of it? I would love to be a part of Kapil Sharma's show anytime, but I think अभी थोड़ा सा इस बार लेट हो गया है. मैं एक्चुअली माई ग्रैंड मॉम इज नॉट कीपिंग टू वेल, तो मैं थोड़ा सा अवे रहा हूँ. बट आई थिंक ये जानते हैं कि आपने बात की. अजय जी, आप कैसा बोल सकते हैं आपकी फिल्म के बारे में? किस तरह बनी है? नहीं, फिल्म बहुत अच्छी बनी है और म्यूजिकल लव स्टोरी है मूवी है, और अध्ययन और सारा ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और इनके लुक की हर तरफ तारीफ हो रही है, और मैं तो चाहूँगा कि इनका जो लुक हो सबको पसंद आए और फिल्म हमारी दर्शक जाके देखें. मेरी तो बस इतनी तमन्ना है कि थिएटर तक लोग आए और फिल्म को देखें. I can't tell you what my next film right now, but all I can say is I'm writing my next film and working out at the same time. So there is something very exciting that I'm doing, because kuch na kuch alag karna bahut zaruri hai. You can't just keep doing the same thing again and again. You know, you know, you have to find out different ways to, you know, get where you want to get in your life. So I'm hoping. अध्ययन, इसके अलावा ऋतिक और कंगना के बारे में बहुत कुछ बोला गया, बीच में आपके तरफ से भी बयान आया था, तो इस बात को लेकर क्या क्या क्लैरिफाई करना चाहेंगे? कुछ क्लैरिफाई करना नहीं चाहूँगा. आई थिंक लोगों के लिए शायद उसे एक गॉसिप होगा, लेकिन जिस वक्त मैंने इस चीज़ के बारे में बात की थी वो एक इमोशनल स्पेस से आ रहा था. मेरा रिश्ता जो था वो एक पब्लिक स्पेस में था, इसलिए मुझे लगा कि उसकी क्लैरिटी देना एक पब्लिक स्पेस में होना चाहिए. जब ऋतिक सर और इन दोनों के बीच में जब इनकी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, तो मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा था इस कॉन्ट्रोवर्सी में. आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस. तो मैंने ऑब्वियसली सबसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ डोंट ड्रैग माय नेम. लेकिन वही है ना कि अगर आप बात ना करें तो फिर लोग बात करते रहते हैं इसके बारे में. तो मुझे लगा कि एक बार क्लैरिटी दे देनी चाहिए, एंड दैट्स इट, एंड दैट्स ऑल आई डिड. इनफैक्ट डीएनए में जो है, डीएनए पेपर जो है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था इतने दिन की. आई थिंक अगर आप लोग बात करेंगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा. तो डीएनए पेपर जो है, उन्होंने मुझसे कहा कि अध्ययन, आई थिंक दैट यू शुड क्लैरिफाई योर स्टांस एंड यू शुड टॉक अबाउट इट. ऐसे कोई फायदा नहीं है, बिकॉज लोग सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं, ये पब्लिसिटी जाता है. लोग ये नहीं जानते कि पब्लिसिटी से इंसान का क्या होना लाइफ में, सिर्फ गालियाँ ही पड़ती हैं. और मैं उस फैमिली से नहीं आता हूं, और मुझे इस तरीके की पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है लाइफ में. लेकिन मुझे लगा ठीक है, मे बी अब नहीं कर रही, शायद मैं ज़िंदगी में अगर सक्सेसफुल हो जाऊँ, और डेफिनेटली होऊंगा, उस वक्त इसके बारे में मेरे पास ज़िंदगी में स्पेस नहीं होगा, वक्त भी नहीं होगा. इसलिए मुझे लगा लेट मी जस्ट टॉक अबाउट इट एंड फिनिश इट ऑफ एंड दैट्स इट. और मैंने एक इंसान से बात की, और फिर आई थिंक फारिदून से बात की थी. उसके बाद मैंने किसी से बात नहीं की. सबके फोन कॉल्स आए, आई थिंक यू शुड क्लैरिफाई, आई थिंक यू शुड टॉक. ऐसे देयर नथिंग टू क्लैरिफाई, देयर नथिंग टू टॉक. मुझे सच बोलना था. आप उसको बिलीव करें, करें नहीं बिलीव करना ना करें. आपको लगता है कि मैं लूजर हूँ या मैं पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ, वो आपका थॉट है. बहुत से लोग सपोर्ट में भी आए, बहुत से लोग जुड़े भी. सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम दैट दे केम फॉरवर्ड. एब्सोल्युटली यार, आई थिंक आज की जिंदगी में अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है. You have to fight your own battle. You have to take a stand, चाहे वो एक मर्द हो या औरत हो. I think it's not about कि लोग बोलते हैं it's about feminism or about being a man. It is about being a good human being or about being a human being. And if that means you have to take a certain stance in your life, चाहे वो आपकी ज़िंदगी के लिए हो, आपके reputation के लिए हो, आपके career के लिए हो, I think you should take it in a very dignified way. ये मतलब नहीं कि stand लेकर दूसरों को गालियाँ देना शुरू कर दें, बट आई थिंक सच बोलना चाहिए. और मुझे सच से डर नहीं है. मुहावरा आया सर, मुहावरा. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा. और मेरे एक्टर जो हैं बहुत ही कोऑपरेटिव थे. मैं जब भी बुलाता था, जैसे भी रखता था, जैसे भी बोलता था आने के लिए, ये लोग हमेशा रेडी रहते थे. और एक्स्ट्रा डेज भी दिए सर. अरे मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ. बीच में हमारी थोड़ी सी एक अनबन भी हो गई, हम लड़े भी. हमने कहा सर स्क्रिप्ट जो है वो शायद ठीक तरीके से नहीं जा रही है. देवर वेरी काइंड. डायरेक्टर साहब बैठे, प्रोड्यूसर साहब खुद आए, बोले तुम लोग इतना वक्त दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, वी वेरी ग्रेटफुल. और हम आपके चेंजेस इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे. सो वी, एज आई सेड यार, छोटी हो बड़ी हो, फिल्म डजंट मैटर. आई थिंक कि फिल्म को सही डेस्टिनेशन पर पहुंचाना बहुत जरूरी होता है. सो एग्जैक्टली व्हाट इज डन. अच्छा है अभी. अध्ययन, आखिरी सवाल चलते चलते. हाँ जी. गाना आई थिंक अजय जी और मैं साथ में गाएंगे, है ना?
तुझ पे फना मैं इस तरह हर पल तेरी तिश्नगी मेरा सुकून मेरा जुनून तू ही मेरी है हर खुशी बस तुझी में महफूज मेरा सारा वजूद तू ही मेरी जिंदगी मारा तुझी को खुदा हो ना दिल से जुदा माना तुझी को खुदा हो ना दिल से जुदा जी इश्क लिख रोमांटिक फिल्म है और उसमें एक बहुत अहम किरदार है एक इंस्पेक्टर का, तो वो इंस्पेक्टर का रोल मैं कर रहा हूँ क्योंकि फिल्म में कुछ आत्महत्या वगैरह सुसाइड वगैरह सब मर्डर सिक्वेंस कुछ है जिसमें एक इंस्पेक्टर की एंट्री होती है और वो इंस्पेक्टर का रोल मैं कर रहा हूँ। शूट के दौरान कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका मूवी का, ये जानना चाहेंगे। ये जो फिल्म बनाई है जो प्रोड्यूसर्स हैं अजय जायसवाल और सतीश जी, ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और डायरेक्टर भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो फिल्म में बहुत ही दोस्ताना माहौल था। और एक राज की बात बताता हूँ इस फिल्म के बारे में कि इश्क लिख में जो सबसे पहली कास्टिंग हुई थी वो मेरी थी, मेरे बाद अध्ययन सुमन और सारा लॉरेंस की कास्टिंग हुई है। सर मूवी से कितनी उम्मीदें हैं आपको? देखिए बीइंग एन एक्टर मुझे, मैं बहुत सारे सीरियल्स करता हूँ, मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, सलमान के साथ वीर फिल्म की थी, रणवीर के साथ बॉम्बे वेलवेट की थी, अब मैं अध्ययन के साथ इश्क लिख कर रहा हूँ। हर फिल्म से उम्मीद रहती है, हर एक्टर को होती है, क्योंकि कोई भी एक्टर ना है ना फिल्म करने के बाद ये नहीं कभी बोलता कि यार ये तो मैंने ऐसी कर ली थी ये फिल्म फ्लॉप हो जाए, ऐसा नहीं है। हर एक्टर ने अपना 100% दिया होता है और हर मूवी से उसे बहुत उम्मीद होती है। इस फिल्म के वैसे गाने बहुत अच्छे हैं, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, जो भी थोड़े से एक्टर हैं कुछ चुनिंदा एक्टर हैं सब लोगों ने अच्छा काम किया है, तो उम्मीद है। अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे आपके सर? मैं राम गोपाल वर्मा की फिल्म, मैंने अभी वीरप्पन की है, उनकी अगली फिल्म कर रहा हूँ राम गोपाल वर्मा साहब की। और बेसिकली मैं टीवी में बहुत काम करता हूँ, टीवी सीरियल्स में मैं काम कर रहा हूँ। अभी मेरी ख़त्म हुई ये सोनी टीवी पर सूर्यपुत्र कर्ण, कुछ एक आधा माइथोलॉजी और कॉस्ट्यूम ड्रामा की बात चल रही है, क्योंकि हम टीवी में जब करते हैं तो टीवी में ना ब्लॉक डेट्स हो जाती हैं 25-30 दिन और वो साल दो साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। तो कुछ बात चल रही है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हो जाए तो रिवील कर देता हूँ। ऑडियंस को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर ऑडियंस को मैं बहुत छोटा हूँ मैसेज देने के लिए बीइंग एन एक्टर, लेकिन मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 पायरेटेड फिल्में देखना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि चाहे फिल्म छोटी हो चाहे बड़ी हो बहुत ही मेहनत से बनती है, तकरीबन 300-500 लोगों ने मेहनत की होती है और बहुत सारे पैसे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत से लोगों की उम्मीदें इसमें जुड़ी होती हैं, तो ये जो पायरेसी है प्लीज़ आप देखना बंद करते हैं, ताकि ये जो मेहनत है उनके मेहनत का फल थिएटर में जाकर देखिए। आपको नहीं पसंद है तो मत देखिए, लेकिन फिल्म देखना है तो प्लीज़ जाकर थिएटर में देखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। सर पहले इश्क लिख के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। जी इश्क लिख एक लव स्टोरी है, म्यूजिकल लव स्टोरी है, और इसमें मैंने गाया है का देखूं मैं चांद प्यारे तू जो नज़र ना आए, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, मेलोडियस है, सैड सॉन्ग है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं।
मूवी में आपने एक गाना गाया, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और इसका म्यूज़िक पार्ट जो है बहुत ही अच्छा है, कंपोज़र ने बहुत अच्छा कंपोज किया है, अजय सतीश जी ने, और बहुत ही अच्छा मुझे लगा। कितनी एक्साइटेड हैं इस मूवी को लेकर आप? बहुत एक्साइटेड हूँ, और चैनल पे मेरे गाने चल रहे हैं, 22 जुलाई को मूवी रिलीज़ हो रही है, उसके बाद ऑडियंस का क्या रिव्यू मिलता है ये तो बाद में पता लगेगा, पर आशाएँ बहुत हैं। जी, मूवी में जो आपने गाना गाया तो दर्शकों के लिए दो अंतरे होने चाहिए, दो लाइन गाऊं? जी, का देखूं मैं चांद प्यारे तू जो नजर ना आए, पून मरे में अमावस लागे, पल पल जी घबराए, का देखूं मैं चांद प्यारे तू जो नजर ना आए। लास्ट क्वेश्चन मैम, ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस क्लिक के लिए? इस क्लिक ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देखने जाएं, बहुत ही अच्छी मूवी है, और मैंने क्योंकि सॉन्ग गाया है तो मेरे सॉन्ग को सुने, डाउनलोड करें, कॉलर ट्यून लगाएं, और अपना ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दें। थैंक यू सो मच। ओके, इश्क लिक इज़ अ रोमांटिक म्यूजिकल मूवी, और इसमें मैंने एक बहुत ही प्यारा सा गाना गाया है जिसका टाइटल है अभी अजनबी थे। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और बहुत प्यार से बहुत पैशन से बनाई गई है मूवी, तो ज़रूर देखिए जाकर, और अपना बहुत सारा प्यार भी दीजिए। ओके, जो आपने इस मूवी में गाना गाया, दो अंतरे ऑडियंस के लिए। ओके, तुम्हें खुद को सौंपा रिहा हो गई हूँ, इबादत के आगे फना हो गई हूँ, अभी अजनबी थे अभी तो मिले हैं, अभी आपके हम करीब आ गए हैं। बाईस जुलाई को मैम इस क्लिक रिलीज होने वाली है, तो कहीं ना कहीं सारे कलाकारों में, सिंगरों में कहीं ना कहीं डर रहता है रिलीज होने से पहले, तो आपके अंदर कितना डर है मूवी को लेकर? मैंने एक्ट नहीं किया है मूवी में, मैंने गाना गाया है और मैं डेफिनेटली मूवी से जुड़ी हूँ और पूरी टीम से जुड़ी हूँ, और मैं चाहूँगी कि फिल्म बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, उसको बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिले सब लोगों से, और सब लोग जाके देखें। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट हम करते हैं तो बहुत प्यार से बहुत पैशन से करते हैं, तो एवरीबडी वॉन्ट्स इट टू बी अ सक्सेस, तो वही हम सबकी भी दुआएँ हैं, वही हम सबकी भी विशेस है, और मैं दर्शकों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर जाइए, बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत ही अमेजिंग लोकेशंस पे शूट हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, तो मेरा सॉन्ग भी डाउनलोड कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। इस क्लिक के बारे में जानना चाहेंगे? इस क्लिक इज़ ए ब्यूटीफुल म्यूजिकल फिल्म, इसको सबको देखना चाहिए बिकॉज काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है। मूवी से सर कितनी उम्मीदें हैं आपको? आई शुड डू वेल बिकॉज लोकेशंस आर वेरी गुड एंड ऑल द पीपल आर एक्टेड वेरी वेल, सॉन्ग्स आर वेरी नाइस। शूट के दौरान वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? नो, आई एम जस्ट अ सिंगर इन द फिल्म, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन द शूटिंग। ओके सर, जो आपने जो गाना गाया सर, दो अंतरे ऑडियंस के लिए। कहाँ देखूं मैं चांद प्यारे तू जो नजर ना आए, पूनम रैन अमावस लागे, पूनम रैन अमावस लागे, पल पल जी घबराए, कहाँ देखूं मैं चांद प्यारे तू जो नजर ना आए। इससे आई मीन प्रोड्यूसर स्ट्रगल्ड टू मच, आई मीन इज द फर्स्ट फिल्म ऑफ अजय जसवाल, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, सो ऑडियंस शुड एनकरेज द न्यू कमर्स, एंड इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म, सो पीपल मस्ट सी इट।
थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.